हेलो फ्रेंड, डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज सीख रहे थे। आज हम अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे सिस्टम यूनिट क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, मदरबोर्ड्स क्या होता है, सीडी रोम ड्राइव क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज जान रहे हैं सिस्टम यूनिट क्या होता है। हम लोग इस तरह का जो कंप्यूटर देखते हैं इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये जो आप देख रहे हो इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का, डेस्कटॉप कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। जितने भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सारे डिवाइसेस इसी से कनेक्ट होते हैं। सिस्टम यूनिट को अगर हम ओपन करते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं SMPS, ये है, ये मदरबोर्ड है, CD DVD चलाने वाला ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्क चलाने वाला ड्राइव है ये। तो सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट इसी से बाहर से कनेक्ट रहते हैं या अंदर से जुड़े हुए रहते हैं। जस्ट मान लो कि आपका घर है, आपका घर में सारा सामान रखा हुआ रहता है, उसी तरह से सिस्टम यूनिट एक घर की तरह है जिसके अंदर कंप्यूटर चलाने के लिए जिस जिस डिवाइसेस की ज़रूरत होती है सब इसके अंदर और बाहर से जुड़े हुए रहते हैं। अगला जो डिवाइस है पोर्ट्स। सिस्टम यूनिट के ये जो पीछे वाला एरिया है इसको पोर्ट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, जैसे हम को पेन ड्राइव कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से, तो यहाँ पर पेन ड्राइव लगाएंगे, तो जहाँ पर हम पेन ड्राइव लगाते हैं उसको पोर्ट कहते हैं। जिस पोर्ट्स में हम पेन ड्राइव लगाते हैं उसको USB पोर्ट बोलते हैं। अगर कीबोर्ड हमको कनेक्ट करना है तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, माउस यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे, प्रिंटर यहाँ से जोड़ेंगे, मोनीटर यहाँ से जोड़ेंगे। जैसे सिस्टम यूनिट में आप देख रहे हो कि सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं, जैसे ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर कहाँ से कनेक्ट होगा, तो इसके पीछे पोर्ट्स होता है जिससे हम लोग मॉनिटर को कनेक्ट कर देते हैं। प्रिंटर है, इसके पीछे पोर्ट होता है उससे हम मॉनिटर को जिस तरह से कनेक्ट करते हैं प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं, वो पोर्ट से रहते हैं। सिंपल शब्दों में कि पोर्ट के द्वारा हम किसी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। जिस डिवाइस में हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं उस पोर्ट को हम लोग USB पोर्ट बोलते हैं। अगला जो डिवाइस है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। जितने भी डिवाइसेस चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सब को जो सप्लाई मिल रहा है, जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, मदरबोर्ड से। ये SMPS होता है। हम इसके पीछे पावर कॉर्ड कनेक्ट करते हैं, SMPS में पावर आता है जिसको हम बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं, बोर्ड में पावर आ जाता है। अब जो भी डिवाइस है, जैसे आप देख रहे हो ये CD चलाने वाला डिवाइस है, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट है। फ्लॉपी डिस्क चलाना हो तो इससे कनेक्ट है। यहाँ पर हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है, वो भी कहाँ से कनेक्ट है, मदरबोर्ड से। जो भी पोर्ट लगा, तो देखो ये पोर्ट है, मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखो पेन ड्राइव आप कनेक्ट करते हो, मॉनिटर कनेक्ट करते हो, स्पीकर कनेक्ट करते हो, प्रिंटर कनेक्ट करते हो, सब पोर्ट से जुड़ा हुआ रहता है, तो मदरबोर्ड से ही पोर्ट जुड़ा हुआ है। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं सब मदरबोर्ड से ही होते हैं। अगला जो डिवाइस है हमारा वो है CD-ROM ड्राइव। अगर हमको CD चलाना हो कंप्यूटर में तो कहाँ चलाएंगे, तो ये ड्राइव लगा हुआ रहता है, इसमें हम CD लगा के देखेंगे। कहाँ लगा हुआ रहता है ये CD ड्राइव, तो देखो ये सिस्टम यूनिट में यहाँ पर जो देख रहे हैं,
ये है सीडी रोम ड्राइव, जिसमें हम सीडी को चला के देख सकते हैं। तो सीडी रोम ड्राइव एक डिवाइस होता है जिसमें हम सीडी कनेक्ट लगा के कनेक्ट करके देख सकते हैं। सीडी रोम ड्राइव में हम सिर्फ सीडी को देख सकते हैं, डीवीडी को नहीं देख सकते। तो एक होता है डीवीडी ड्राइव, जिसमें हम सीडी भी चला सकते हैं और डीवीडी भी चला सकते हैं। अगला जो डिवाइस है वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यहाँ पर देखो फ्लॉपी डिस्क, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मैंने फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया था। अगर फ्लॉपी डिस्क क्या होता है जानना चाहते हो तो मेरा पिछला ट्यूटोरियल आप देखो, उसमें फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया गया। जिस तरह से हमको सीडी चलाने के लिए ये सीडी रोम ड्राइव और डीवीडी चलाने के लिए डीवीडी ड्राइव की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अगर हमको फ्लॉपी का यूज करना हो तो हम इसमें उसका लगा के यूज कर सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक डिवाइस होता है जो फ्लॉपी डिस्क में जो स्टोर रहता है उसको हम देख सकते हैं। कहाँ पर? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में लगा के अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो ये आज हमारा जो ट्यूटोरियल था, इसमें मैंने सीखा सिस्टम यूनिट क्या होता है, पोर्ट्स क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, सीडी रोम ड्राइव क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है। तो दोस्तों, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज अब मैं एंड करने जा रहा हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें मैं प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको कंप्यूटर बेसिक सीरीज से पढ़ाया जा रहा है। जो कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी इससे सीख सकते हैं, है ना। और बहुत सारा कंप्यूटर का टिप्स और ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज़ मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।